तो फाइनली हम लोग हो गए हैं तैयार शादी के लिए, वेडिंग के लिए. मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है. बुआ जी, बुआ पास में तो आओ. बुआ बुआ भी रेडी हो गए हैं. हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हैं और आज के तैयार होने के लिए जाता है बुआ को, क्योंकि बुआ ने हम लोग को तैयार किया है. हम लोग पहले ही चल रहा है. इधर आओ, ये देखिए मिस्टर एंड मिसेस साक्षी, मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा को. अभी तक आपने इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज आके फॉलो करिएगा. देखा तो दो चिलमुन मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा है हमारी प्रोफाइल इंस्टा पे. चलो चलो, चलिए अब आपको नीचे लेके चलते हैं और सबसे मिलाते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा लिखे. हेलो कर दो. हेलो, अरे बनेगा ना, बोल रहे सब लोग हाय कर दो. फिर निष्ठा की शादी में कौन खड़ा है सबको पता तो चल जाए. जीजा जी है मेरे, जीजा बता से रील बनानी है हमको. मसे कहाँ जा रही है कलश लेके? चल अभी हाय नहीं कर सकती ना मौसी. हेलो, कैसी लग रही है मेरी बहन, आप बताइएगा जरूर. जब तक आपके पास ये ब्लॉग पहुंचेगा ना तो निष्ठा की शादी भी हो जाएगी और पता नहीं मैं कानपुर में भी आ जाऊंगी, क्योंकि ये ब्लॉग चालू है. हाँ, तो बस निष्ठा तैयार होकर बहुत देर से बैठी है और बारात बारात अभी आने ही वाली है. और साथ ही आप देख सकते हो इतनी क्यूटी पाई लगी है. अच्छा, लो हनु भी आ गए. मौसी, हनु मौसी कैसी लग रही है? अच्छी की बहुत अच्छी, बहुत अच्छी. तो भाई मौसी देखो, तुम्हारा छोटा दूल्हा आ गया है. क्योंकि हनु ना, जब भी मौसी लोग की शादी होती थी दूल्हा कहते हैं मैं मौसी को छोड़ के जाए. चुनमुन को जैसे वो इतना मानता है ना, वैसे निष्ठा को भी बहुत ज्यादा मानता है. तो बस अभी थोड़ी देर में जयमाल वगैरह होगा, पूरी शादी होगी, तो फिर जल्दी जल्दी से मैं सबको शूट करके आपके लिए डालूंगी. आप बहुत सारा प्यार दीजिएगा वीडियो को. और निशा कुछ बोल दो, कैसी वाली फीलिंग आ रही है? सो एक्साइटेड एंड नर्वस ऑल्सो. हाँ, थोड़ी तो नर्वसनेस भी होगी ना, बट कोई नहीं, मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर में. और थोड़ी सी बारिश वगैरह हो गई तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें हो गई हैं, बट कोई नहीं, अभी बंद है, अभी सब कुछ अच्छा है, क्योंकि बारात आने का टाइम हो रहा है. भाई मिलाएंगे आपको थोड़ी देर बाद दूल्हे राजा से भी, है ना, क्योंकि वो मेरे व्लॉग्स बहुत देखते हैं और वो तो उनसे तो भाई मिलाना बनता है ना. थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, बाय बाय. सो दोस्तों, मिलिए निष्ठा के दूल्हे से. ये नितेश हैं और मौसा जी द्वारचार की पूजा कर रहे हैं. बारात द्वार पे आ जाती है तब ये पूजा होती है. तो आप देख ही सकते हो द्वारचार की पूजा हो रही है. उसके बाद निष्ठा के भाई यानी निलय ने और किया था अपना तिलक वगैरह का पूजन. तो आप यहाँ देख सकते हो ये निष्ठा के भाई हैं जिन्होंने तिलक पूजन किया था. आगे आप वीडियो को एंड तक देखिएगा. और अब दोस्तों हो रही है दूल्हा दुल्हन की एंट्री. तो साथ में नितेश के भाई भाभी भी हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों की एक साथ शादी हुई थी. तो निष्ठा का लहंगा बहुत भारी है, जैसे कि आप देख ही सकते हो. वैसे ये हर दुल्हन के हाल होता है. तो बस यहाँ पे एंट्री होने जा रही है और दुल्हन की एंट्री यार बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज्यादा. दोस्तों आप देख ही सकते हो कि आगे ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने बहुत दूर से वीडियो लिया है क्योंकि फोटोग्राफर्स भी इतने सारे थे कि मतलब आगे जाना पॉसिबल नहीं था. बट एंट्री बहुत ज़्यादा अच्छी थी. आप देख रहे हो ना, ये फॉग था, ये बलून्स देख रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे से फूटे थे तो ऊपर उठे थे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. इसको करने से क्वालिटी वीडियो की नहीं अच्छी है, सब डाल देते हैं. Oh
My name is Lakan.